दादी लो ये दुआ ना प्लीज सदवाई अंदर थोड़ा पानी पवाम लाने। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के नए ब्लॉग में, आज के नए वीडियो में। और क्या है कि अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ, काफ़ी ऐसे मूड ऑफ है क्योंकि मैंने सोचा था कि हम शिकार देवी जरूर जाएंगे, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ जब बातचीत की, जो लोग थे उन्होंने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा ऐसे स्नोफॉल है, तो आप प्लीज़ ऐसे मत जाओ और ऐसे अगर जाएंगे तो ऐसे दिक्कत होगी। तो मैंने भी सोचा कि ऐसे जाएंगे और फिर आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे तो क्या फ़ायदा उसका, तो उससे अच्छा तो फिर घर चलते हैं। और अभी मैं आधे रास्ते में घर पहुँचने वाला हूँ, यहाँ से कितना 7-8 किलोमीटर दूर अपना घर है। और बस ऐसे सीन है, तो 2 दिन मैंने जो बिल्कुल अनजान से लोग थे उनके साथ बिताया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उन लोगों के साथ। वहाँ पे घर जा रहा हूँ और फिर अब वैसे ही मतलब रोज़ का रूटीन की लाइफ जो है वैसे ही होगी, पर देखते हैं कि फिर से हम कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेंगे घर से। तो बस ऐसा कुछ सीन है। और अभी घर पहुँचा और दादी मिल गई इधर अपने, अच्छा दादी के साथ इधर बातचीत होगी। फिर दादी ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਰ ਦਿਆ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮਿੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਪੁਜਵਾਣੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਕੋਤੀ ਪੁਜਣਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਚਲੀਏ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਚਲੀਏ ਨਹੀਂ ਮਨਾਲੀ ਹਾਂ ਹੈ ਫੇਰ ਦਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁੰਗੀ ਖੁੰਗੀ ਤਾਂ ਸੋਣਾ ਕਿਆ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਤ ਖਾ ਮਿਸ ਖਾ ਇਤ ਖਾ ਖੁੰਗੀਆ ਖੁੰਗੀ ਹੋਈ ਸੇ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਲਾਣੀ ਗਾਲਾਂ ਲੱਗਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ गाड़ा किया ले बा मैं गूंद पाए जाता ओ मेरी दादी डॉक्टर दोरी आज दादी सुन चलो चू ले लो ना फिर यहां ससे करना आज इतना इतना लाना गाड़ा रे पेड़ कने खूंगी खांगी सारी दादी यहां दादी मां कान पीना मिंजो पीना पवाना था गाड़ा दादी ने सब सोगी चाहिए लिया दादी लावा ये दुआ ना कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं प्लीज सदवाई अंदर थोड़ा पानी पवाम लाने थोड़ा मिलाना कोसा पानी मिलाना सहते अंदर इतने का दुआ लें मैं ज्यादा नहीं तेरी है ना ज्यादा नहीं खरी होंगी ना कोसा करना थोड़ा पानी दादी ऐसा पानी अभी किचन में आ गया हूँ अपने इधर और दादी को दवाई पिला रहा हूँ इधर काना से मिली है काफी 2-3 दिनों के बाद ओए ओए दादी हाँ कोसा जा पाना कोसे पानी ने तो सीधे दवा ना डॉक्टर बोला कोसा पानी होना चाहिए इस दवाई के साथ और बोल रहा है ना ऐसा कि भाई एक बार में पीनी है ये दवाई सारी डॉक्टर बोल रहा है भाई ये दवा एक के बारे में एक ही गुट्टा ने पीनी सारी अड़ा बोना भाई सियाने हो पीवा होने ते अमा थोड़ी सब्जी दवा दा दियो जे दादी हमारी दवाई पी रहे हैं बहुत ज्यादा ठंड होती है हमारे यहाँ पे इसलिए ऐसे बुजुर्गों को दवाई पिलानी पड़ती है और साथ में इस दवाई के साथ सब्जी खानी पड़ती है गोभी की साथ में 1-2 रोटी बच्चा भी लगी और हम भी खाना खाएंगे अब आले आज दादी लाओ ये भोज ले अंदर में ना गए था घूमने ना पुल आंदी मैं खपरी गठे मैं मेरे घर खपरी है खपरी और नहीं था है यो राज माया दादी खोल ला दादी नो काना को देखो काना काना बोल रहा है कि मुझे दिखाओ भाई क्या है ले दादी संतरे ले अंदर में संतरे तो फ्रेंड्स ये है राजमा ना ये दादी खोल लेना जो क्या हो रहा है ले ए ले वो ये राजमा है जहाँ पे मैं गया था वहां से दिए हुए मुझे आंटी ने उधर लोकल राजमा है ये इनके घर के खुद के ले खाना ये क्या है और ये हमें जहाँ पे मैं गया था ना वहाँ से सेब दिए हुए हैं एक्चुअल में क्या है कि ये सेब हैं तो वैसे ठीक हैं
ये वाले सेब ना ऐसे निकल जाते हैं सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, तो ये मतलब ऐसे थोड़े से बिल्कुल ऐसे सिकुड़ गए हैं। इनकी स्क्रीन देखो कैसी हो गई है, ये इस तरह के हैं देखो। ये मुझे बोला एक बोरी ले जाओ सेब की, दादी मिंजू बोले एक बोरी ले जाओ सेब बारी। हाँ एड सेब लिया भाई, हाँ खाने बड़े हो मीठे। क्या हो रहा, क्या हो रहा गाना है, बोला एक बोरी ले जाए सेब की। वो मैंने बोला भाई मैं नहीं इतने सारे सेब उठाऊंगा, क्या हुआ, बोला मुझसे नहीं खुल रहा है। बड़ी कोशिश की इसको खोलने की, इसमें खाने फेंकर निकल जाते इसमें।